जामिया की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून पर 18 तारीख को अहम सुनवाई होगी। सिब्बल ने भरोसा जताया कि अदालत में ये कानून निरस्त हो जाएगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जाने माने कानूनविद इस वक्त हमारे साथ हैं कपिल सिब्बल। सिब्बल साहब, जो घटनाक्रम हुआ जामिया का और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष के नेताओं की बड़ी मांग आपकी ओर से की गई है, कानूनी नजरिए से अगर इसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जहाँ तक तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात है वो तो 18 तारीख को उसकी सुनवाई होगी, और जहाँ तक जामिया का सवाल है ये उठाया गया था आज, कई वकीलों ने ये बात उठाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक हम इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पिटीशन फाइल हुई है सब लोगों को दो, कल इसको हम लगा के सुनेंगे, और इस बीच हम चाहते हैं कि स्थिति सामान्य हो जाए। मेरे ख्याल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंसा के वातावरण में कोई फैसले नहीं हो सकते, और जब तक हिंसा ख़त्म नहीं होगी तब तक कोई फैसले नहीं होंगे। लेकिन जो छात्र जिनकी पिटाई हुई है, जिनके हाथ टूट गए हैं, या उनको पूरे तरीके से मेडिकल एड मिलनी चाहिए, और जिस तरह से यूनिवर्सिटी में पुलिस गई और जामिया की लाइब्रेरी में चले गई बिना अनुमति के, और वो तो वाइस चांसलर खुद कह रहे हैं कि हम बिना हमारी अनुमति में से ये हुआ, तो वो उसकी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में एक कमीशन बैठनी चाहिए ताकि असलियत क्या है वो देश के सामने आए और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। और इस पूरे मामले को अगर देखें आप, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, प्रधानमंत्री ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, शांति की अपील की है, ये कहा है कि ये बिल सदन में पारित हुआ है। नहीं, सदन में बिल पारित होने से क्या होता है, सदन में कई बिल पारित होते हैं और रद्द किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको रद्द करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 66 से को क्यों, किसने रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, पारित हुआ था ना पार्लियामेंट से। हाँ, तो ये तो हजारों बिल ऐसे होते हैं जो पारित भी होते हैं और रद्द भी किए जाते हैं, या तो प्रधानमंत्री जी की नादानी है, उनको मालूम है मेजॉरिटी से बिल पास होना, क्योंकि उनके पास बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल सही है। बीजेपी की ओर से ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन को विपक्ष हवा दे रहा है, खासतौर से कांग्रेस। अच्छा, आपको लगता है कि विपक्ष हवा दे रहा है, छात्र विपक्ष के हैं जो जामिया में और सारे हिंदुस्तान के शहरों में जो लोग इकट्ठा हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, वो कांग्रेस ही हैं, अगर वो होते तो हम चुनाव नहीं जीतते। तो ये भी एक गुमराह करने की बात है। मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कपड़ों से पहचान पाते हो कि लोग कौन ऐसे हैं, कौन ऐसे लोग हैं, ये कोई शोभा देता है कि एक प्रधानमंत्री इस पद पर बैठा हुआ ऐसी बात करे, तो क्या लगता है, लगता है कि वो खुद राजनीति करना चाहते हैं, और ये गलत बात है। बात करने के लिए, और कपिल सिब्बल काफी इस पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रख रहे थे, और इस नजरिए से महत्वपूर्ण हो जाता है ये कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने इस बात को कहा है कि मामला चूंकि अब इस पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट पे, जो बिल है, जो विवादास्पद बिल विपक्ष कह रहा है उसको लेकर, वहीं जामिया के मामले को लेकर भी उन्होंने कहा कि जब तक माहौल शांत नहीं होता तो सुनवाई नहीं हो सकती, तो ऐसे में कानूनी नज़रिए से भी और राजनीतिक नज़रिए से भी इस पूरे मामले पर नज़रें लगी हैं। कैमरामैन सुरबीर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल।